के विधानसभा का एक क्षेत्र ये भी एक जगह है जहाँ पर लोग काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, काफ़ी प्रॉब्लम है टॉयलेट्स को लेकर एंड ऑल, तो किस तरह से आप इनकी समस्याओं को दूर करेंगे और लोग जिस तरह से आपका यहाँ स्वागत कर रहे हैं फूलों मालाओं से, मतलब उनको आपसे एक उम्मीद है, इन उम्मीद को कैसे पूरी करेंगे आप? सबसे पहले मेरी जो यहाँ मलाड की जनता है, जिस दिन से मुझे जवाबदारी मिली है, कांग्रेस पार्टी ने मुझे यहाँ पे उम्मीदवार के तरीके से भेजा है और टिकट मिली है, उसी क्षण से यहाँ के सभी मेरे कांग्रेस जनवरिष्ठ कार्यकर्ता, मेरी महासचिव महिला कांग्रेस की दीक्षिता बेन, उनकी पूरी टीम, महिला टीम, युवा टीम, सभी वरिष्ठ सब यहाँ पे जुट गए हैं और पहले दिन ही उनको बहुत खुशी हुई है। और ऐसे ही हमने विज़िट किया था तो यहाँ पे एक 2.5 साल से रैबिट ग्राउंड में, अगर आप आती हुई देखी हो तो वहाँ पे 2.5 साल से काफ़ी रैबिट पड़ा था, जिसके लिए मुझे लोगों ने वहाँ खड़े होकर बताया कि मैडम ये 2.5 साल से रैबिट है, हमारा गटर उसमें पूरा ही ब्लॉक हो जाता है, सब बीमार पड़ रहे हैं क्योंकि वाटर फ्लो नहीं होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है पानी में, आप कुछ करके दीजिए। मैंने उनसे इतना ही कहा कि हम सब मिलके कुछ करेंगे। मुझे बहुत गर्व हो रहा है ये बता के कि हमने दूसरे दिन ही कांग्रेस के सब वर्कर्स ने, कांग्रेस के पदाधिकारियों ने, इस विभाग के सभी कांग्रेस जन ने मिलके दूसरे दिन ही वो रैबिट उठाना चालू कर दिया। मतलब 2.5 साल का रैबिट जो बीजेपी के राज्य में यहाँ था, जो यहाँ ध्यान नहीं देता, जो नगर सेवक यहाँ नहीं आता, यहाँ पे आमदार नहीं देखता है, वो दूसरे दिन ही उठना चालू हो गया। तो ऑलरेडी हमने काम की शुरुआत कर ली है, तो हमारा लक्ष्य उनको सुविधा देना। और आज जब वो मैदान जाके देखिए तो वो जो मैदान आज साफ दिख रहा है वो कांग्रेस पार्टी की मेहनत है, कांग्रेस वर्करों की मेहनत है, कांग्रेस के पदाधिकारी जो मलाड में यहाँ पे स्थानिक हैं, ये सब ने मिलके उसको क्लियर किया है। तो काम की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। और टॉयलेट्स तो एक्चुअली बहुत ही बड़ी हत्या उन पे हुई है। स्थानिक आमदार ने बिल्डर को एक जगह बेचने के लिए 60 टॉयलेट का टॉयलेट 30 टॉयलेट्स कर दिया। तो ये तो बीजेपी का अत्याचार है, अन्याय है। और अब दीक्षिता बहन यहाँ की नगर सेविका है और हम सब यहाँ मिलके बीजेपी और इस सरकार को यहाँ पे मुकाबला करके हम जीतेंगे और हम जीत की यहाँ पे पूरा डंका बजाएंगे और हम काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। हमने यही कहा है कि हमको जिता के लाइए, हम काम करेंगे, हम सेवा करेंगे। आपके विपक्ष में भी एक प्रत्याशी हैं और जिनके चुनाव प्रचार के लिए योगी आदित्यनाथ को आज मुंबई आना पड़ा, उनके विधानसभा आपके विधानसभा से चुनाव प्रचार के लिए आए हैं, आप क्या लगता है आपसे डर गए हैं? बिल्कुल, क्योंकि उनको अपने में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं किया लोगों ने, उन्होंने बिल्डर की लॉबी चलाई है। एक इंसान जब, एक प्रतिनिधि जब जीत के आता है तो लोगों की समस्या को हल करता है, लेकिन आप खुद इस क्षेत्र में घूम रहे हो, कितना उनके खिलाफ लोगों का नाराज़गी है आप खुद ही देख रहे हो, हम तो नहीं देख रहे, आप ही देख रहे हो। तो इसके लिए अब जब उन्होंने एक महिला को प्रत्याशी देखा, महिला जिस तरीके से उनकी प्रॉब्लम्स लोगों की सुन के सॉल्व करिए, कांग्रेस पार्टी मिलके, कांग्रेस के सभी लोग मिलके हमारे साथ जो लोगों के बीच जा रहे हैं उनकी समस्या को सॉल्व भी करते जा रहे, उससे वो डर गए हैं, अब वो एक महिला से डर गए। तो इस डर की वजह से उनको अपने काम पर कोई, उन्होंने कोई काम ही नहीं किया, तो इसके लिए उनको अपने पर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो इसलिए उन्होंने योगी, सीएम योगी को यहाँ बुलाया और डरे हुए हैं। और यही जो चीज़ है इस पर हमारी जीत हमको दिख रही है। तो आपको ये नहीं लगता कि सीएम योगी के आने से जो आपके वोट्स हैं, जो आपके लोग हैं, जो आपकी जनता है, वो उनकी तरफ चली जाएगी? जनता आजकल बहुत समझदार है, इंटेलिजेंस है, सीएम योगी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आएगा। लोकल कैंडिडेट आज आप कंपेयर करिए, उनकी एजुकेशन को कंपेयर करिए, मैं एक डॉक्टर हूँ, 3 बार जीती हुई नगर सेविका हूँ, प्रजा फाउंडेशन ने मुझे टॉप 10 की नगर सेविका घोषित किया है, उसके अलावा मैं ब्रेस्ट कैंसर पर काम करती हूँ और मैं एक महिला हूँ। और आप उनका, और मैं स्थानिक हूँ, मैं कांदिवली में ही रहती हूँ, वो रहते हैं गोरेगांव में, तो ये सारी चीज़ें, जो प्रोफाइल है, जो परफॉर्मेंस है, उससे कई अच्छा और कई बढ़कर है, इसके लिए वो डर गए। और हम मैदान में उतरे हैं, लड़ाई कर रहे हैं,
हम जंग लड़ रहे हैं और इस जंग को मुझे पूरी तरह विश्वास है कि मेरे जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, जो मलाड, पोईसर, कांदिवली, हनुमान नगर, लोखनवाला, ठाकुर कॉम्प्लेक्स के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता ही हमको जिताएंगे। ये जो जीत है ये इसलिए पक्की है क्योंकि हमें सबको मिलके इस कांदिवली विधानसभा में जीत हासिल करना है ताकि कि हम लोगों की समस्या को सॉल्व करें।